हेलो फ्रेंड्स, होम ब्यूटी एंड क्राफ्ट टिप्स को सब्सक्राइब करने के लिए सो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दबाना है, और मेरे वीडियो की यूज़फुल वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपको बेल आइकन भी पुश करना है ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं डिश वॉश। इसके लिए हमें चाहिए लेमन जूस, सोडा, घड़ी और विनेगर। घड़ी सोप हमें आधा ही यूज़ करना है। इस तरीके से मैं आपको इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ। ये हमें लगेगा डिश वॉश बनाने के लिए। इससे हम इतना बेहतरीन डिश वॉश बनाएंगे कि आपके बर्तन में बिल्कुल चिकनाहट नहीं रहेगी और ज़रा भी बदबू नहीं होगी और आपका बर्तन बिल्कुल चमकदार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें घड़ी सोप को हाफ़ कर लेना है इस तरीके से, और फिर इसे हमें पैकेट से निकालना है। और फ्रेंड्स, हमें इसकी मदद से घड़ी सोप को क्रश कर लेना है इस तरीके से। इस तरीके से हमें घड़ी सोप को अच्छे से क्रश कर लेना है। फ्रेंड्स, हमें एक बॉटल अगर डिश वॉश बनाना है तो हमें हाफ घड़ी सोप बहुत है। इस तरीके से हमें हाफ एंड हाफ घड़ी सोप को क्रश करना है अच्छे से इस तरीके से। ये देखिए, ये कितने अच्छे से क्रश हो गया है। अब हमें इसे एक जग में डालना है। ये देखिए, ऐसे हमें इस तरीके से जग में हमें ले लेना है। अब हमें इसमें थोड़ा सा गरम पानी ऐड करना है। फ्रेंड्स, बहुत ही सावधानी से हमें इसमें गरम पानी को ऐड करना है इस तरीके से, ध्यान से, और फिर हमें इसको पहले अच्छे से मिला लेना है। और फिर इसमें हमें डालना है सोडा। इस तरीके से हम इसमें 2 चम्मच सोडा ऐड करेंगे और फिर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद हमें लेना है हाफ ग्लास विनेगर। विनेगर भी हम इसमें इस तरीके से पूरा ऐड करेंगे। और हमें लेना है लेमन जूस, जो मैंने पहले से निकाला था, और इसमें मैंने थोड़ा सा येलो कलर ऐड किया हुआ है इसके कलरनेस के लिए। और इसमें येलो लेमन जूस है जिससे कि हमारे बर्तन में नींबू की खुशबू रहेगी और नींबू से हमारे बर्तन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और बर्तन बिल्कुल साफ रहेंगे। इस तरीके से हमें सारी चीज़ें मिला लेना है और इसको अच्छे से अब मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, देखा कितनी आसानी से ये डिश वॉश बन के तैयार हो गया। फ्रेंड्स, आप भी एक बार घर पे ज़रूर इसको बनाएं, और बहुत ही सस्ते और किफ़ायती में आप इसे बना सकते हैं आसानी से। इस तरीके से चलाते रहें, थोड़ा सा सोप मिक्स हो जाए अच्छे से। ये देखिए कितनी आसानी से ये बन चुका है। तो फ्रेंड्स, अब अगर आप सोप यूज़ करते हैं तो उसे बिल्कुल ना यूज़ करें। इस तरीके से डिश वॉश बनाएं कम और सस्ते में, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो इस तरीके से आप कोई भी इसको बॉटल में या कंटेनर में आप स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से हम एक बॉटल में इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसको थोड़ा सा शेक कर लें ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, इसकी 2 या 3 बूंद आपको लेनी है और आपके ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन आसानी से धुला जाएंगे और बिल्कुल साफ और चमकदार होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे धुल के दिखाती हूँ इसमें कितने बबल्स देख सकते हैं आप आ गए हैं, और अच्छे से अब इस घास से आप पूरे बर्तन धुल सकते हैं, आपके बर्तन बिल्कुल साफ़ होने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक प्लेट लिया हुआ है, इसमें मैंने थोड़ा ऑलिव ऑयल डाला है। इसमें मैंने खाली 2 या 3 बूंद इसको लेना है और इस तरीके से अच्छे से साफ़ कर देना है। फ्रेंड्स, सोडा और विनेगर और लेमन जूस और घड़ी सोप से ये बनाया हुआ डिश वॉश बहुत ही अच्छा है। तो ये देखिए, मैंने इससे इसको धुला, ये देखिए मेरी
प्लेट्स कितनी चमकदार हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, आप इससे जमे से जमे मैल भी दाग अच्छे से अपने बर्तन से निकाल सकते हैं 2 मिनट के लिए। अगर आप इसे ऐसे डालकर छोड़ दें और फिर अपने बर्तन धुलें तो ये बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत अब बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा।